नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। भाजपा ने मैनपुरी लोकसभा सीट, रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। भाजपा ने सपा के गढ़ मैनपुरी लोकसभा सीट से रघुराज शाक्य और प्रत्याशी घोषित किया है। रामपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में आकाश सक्सेना को और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से राजकुमारी सैनी को टिकट दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। भाजपा ने खोले अपने सियासी पत्ते। लोकसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी का ऐलान। मैनपुरी से अपर्णा नहीं, रघुराज शाक्य बने उम्मीदवार। विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों का ऐलान। आजम के गढ़ रामपुर में आकाश सक्सेना बने उम्मीदवार। खतौली सीट पर राजकुमारी सैनी को टिकट। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर केंद्र चुनाव समिति से अंतिम मुहर लगने के बाद उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। दरअसल बीजेपी ने सपा के गढ़ मैनपुरी से लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव के खिलाफ रघुराज शाक्य को टिकट दिया है। बता दें कि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि मैनपुरी में बीजेपी शाक्य समाज से किसी को अपना उम्मीदवार बनाएगी। सियासी गलियारों में चर्चाएं ये भी थी कि सीट के लिए भाजपा समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को टिकट दे सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा बीजेपी ने रामपुर विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बता दें कि रामपुर को आजम खान का गढ़ माना जाता है। ये विधानसभा सीट सपा नेता आजम खान को सजा होने पर खाली हुई है। इस सीट पर पार्टी ने आकाश सक्सेना को अपना उम्मीदवार बनाया है और मालूम हो कि आकाश सक्सेना को रामपुर में आजम खान का कट्टर विरोधी माना जाता है। हालांकि पहले से ही यहां से आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा चल रही थी। हालांकि रामपुर सीट से सपा ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। तो वहीं बीजेपी ने मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर राजकुमारी सैनी को टिकट दिया है, जबकि सीट पर सपा गठबंधन से आरएलडी ने मदन भैया को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। गौरतलब है कि मैनपुरी और खतौली सीट पर 17 नवंबर को नामांकन होगा, जबकि रामपुर सीट पर 18 नवंबर तक नामांकन होगा। इन सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि विधानसभा उपचुनाव में किसकी जीत होती है, किसकी हार। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।